यूपी में अभी भी मौसम का सितम जो है वो जारी है। जी हाँ, बारिश के कारण यहाँ 79 लोगों की मौत हो गई है। 2 दिन के भीतर 79 लोग जो हैं वो काल की गाल में समा गए हैं। यूपी में बारिश और बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। यूपी के कई जिलों में बारिश की आशंका आज भी जताई गई है। गंगा यमुना समेत तमाम नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। तो 2 दिन में 79 लोगों की मौत, इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश में है। और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। आशंका ये भी जताई गई है कि भारी बारिश अभी और होगी। आज भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गंगा यमुना समेत तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर है। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और जगह जगह देखने को मिल रहा है कि पानी भर आया है। सड़कों पर लोगों को आवागमन में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, ये वो इलाके हैं जो नदियों से सटे हुए हैं। गंगा यमुना की नदियां और तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। तो किस तरह से कटाव हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं कई जिलों में। अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और भारी बारिश की आशंका जताई गई है। 2 दिन के भीतर 79 लोगों की मौत, इससे पता चलती है कि स्थिति जो है वो भयावह है। सितंबर का महीना कह सकते हैं खत्म होने को है। 29 सितंबर आज तारीख हो गई, लेकिन उसके बावजूद देखने को मिल रहा है, यूपी बिहार की बात करें तो यहाँ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और दोनों ही प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। 2 दिन में 79 लोगों की मौत हो जाती है और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि भारी बारिश की आशंका है।